जी गुड। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है बायोस्टेटिस्टिक, बायोस्टेटिस्टिक की हम शुरुआत कर रहे हैं। यूनिट नंबर वन हमारे साथ है, इंट्रोडक्शन टू बायोस्टेटिस्टिक्स। बायोस्टेटिस्टिक्स को हम नर्सिंग में क्यों स्टडी करते हैं, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है नर्सिंग में। बायोस्टेटिस्टिक्स, अगर स्टेटिस्टिक्स की हम बात करें तो स्टेटिस्टिक्स का वर्ड जब भी आप लोग सुनते हैं तो आपके जहनों में हिसाब किताब से रिलेटेड बातें जो है आती है, मैथ्स से रिलेटेड बातें आती है। तो मैथ्स का जो है नर्सिंग में क्या काम है, तो इसके हवाले से आज के लेक्चर में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ ऑब्जेक्टिव्स मौजूद है। ऑब्जेक्टिव में हम मंदरजा झील टॉपिक्स को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टर्म स्टेटिस्टिक्स पर, के स्टेटिस्टिक्स किसे कहते हैं, स्टेटिस्टिक्स से क्या मुराद है, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद फिर हम बात करेंगे बायोस्टेटिस्टिक्स की, कि बायोस्टेटिस्टिक्स किसे कहते हैं, ठीक है। स्टेटिस्टिक्स और बायोस्टेटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो आप लोगों ने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वो डिफरेंस जो है आज मैं आपको क्लियर करके दूंगा, तो इंशाल्लाह फिर आप आगे जो है दूसरे स्टूडेंट्स को भी बता सकते हैं, उनकी जो कंफ्यूजन है उसको आप क्लियर कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम बात करेंगे पर्पस ऑफ बायोस्टेटिस्टिक्स इन नर्सिंग। नर्सिंग में हम बायोस्टेटिस्टिक्स को किस मकसद के लिए स्टडी करते हैं, क्यों हम नर्सिंग में बायोस्टेटिस्टिक्स को इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं, तो इसके हवाले से जो है आज के लेक्चर में हम डिटेल के साथ बात करेंगे। इसके बाद हमारे साथ बात होगी डेटा की, क्या डेटा से क्या मुराद है, और डेटा के हमारे साथ जितने टाइप्स है उसके हवाले से हम बात करेंगे। इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं, सिंपल सिंपल एमसीक्यूज होते हैं जो कि इससे आते हैं, तो इंशाल्लाह इस पर भी आज के लेक्चर में बात करेंगे। इसके अलावा वेरिएबल से क्या मुराद है, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। टाइप्स ऑफ वेरिएबल से क्या मुराद है, ठीक है। तो हमारे साथ जो मुख्तलिफ किस्म के वेरिएबल्स है तो उसको हम डिस्कस करेंगे, और इससे भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। और टाइप ऑफ वेरिएबल जो है ये आपकी पूरी बायोस्टेटिस्टिक जो है टाइप ऑफ वेरिएबल्स पर जो है डिपेंड करती है, और जो हमारे साथ वेरिएबल्स के टाइप्स है तो वो आपको बार बार मुख्तलिफ यूनिट में जो है सुनने को मिलेगी। चैप्टर नेम इंट्रोडक्शन टू बायोस्टेटिस्टिक्स है जी। उसमें ये नहीं है, लेकिन ये सारे मौजूद है। मतलब वो स्लाइड जो है वो केमयू के स्लाइड थे, ये स्लाइड मैंने खुद तैयार किए हुए है आप स्टूडेंट्स की आसानी के लिए। इसको अगर आप समझेंगे तो दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। इसको अगर आप समझेंगे तो मतलब यह है कि आपने उन स्लाइड्स को अंडरस्टैंड कर लिए, तो फर्क जो है दोनों में किसी किस्म की फर्क जो है वो नहीं है। ये भी मैंने केमयू के जो सिलेबस है, जो करिकुलम है, उसको देखते हुए ये सब कुछ जो है मैंने बनाया है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप उसको स्टडी करें या इसको स्टडी करें, जो आपको आसान लगे तो आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ ना, आप उसको याद करें। वही चीज़ें जो है मैंने यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं, हो सकता है कुछ पॉइंट जो है यहाँ पर मैंने छोड़े हो या इजाफी मैंने ऐड किए हो, तो अगर आप इजाफी एक्स्ट्रा स्टडी करेंगे तो इससे आपको ही फायदा होगा, आपके पास नॉलेज ज़्यादा होगी, तो फिर आप बेहतर तरीके से पेपर को कर सकेंगे, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने उसको कॉपी किया है, बिल्कुल आप उसको फॉलो करें, ठीक है। मैंने उसको देखे हुए थे, उसको देखकर ही मैंने ये स्लाइड जो है बनाए थे, ताकि आपको थोड़ी सी और ये सब्जेक्ट जो है आसान हो जाए, क्योंकि ये बेसिक यूनिट है। तो इसलिए मेरी कोशिश होगी कि हर एक चीज़ की डिफिनेशन, हर एक चीज़ का मतलब जो है वो मैं आपको क्लियर करके दूँ, ताकि आगे यूनिट्स में फिर आपको किसी किस्म का मसला ना हो, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं स्टेटिस्टिक्स से। डिफिनीशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स, यहाँ पर आपको स्टेटिस्टिक्स की डिफिनीशन दी गई है। जनरली अगर स्टेटिस्टिक्स के हवाले से मैं आपको बताऊं,
तो जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने आपको कहा कि जब भी हम वर्ड स्टेटिस्टिक्स को सुनते हैं तो हमारे जहनों में हिसाब किताब से रिलेटेड बातें जो है शुरू हो जाती है, मैथ से रिलेटेड बातें शुरू हो जाती है। और बिल्कुल इसी तरह से है कि स्टेटिस्टिक्स असल में हमारे साथ मैथमेटिक्स का एक ब्रांच है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें यूजुअली हम न्यूमेरिकल डेटा से रिलेटेड क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। न्यूमेरिकल डेटा से रिलेटेड जो है हम क्या करते हैं, अपनी स्टडी करते हैं। सो स्टेटिस्टिक जो है ये असल में हमारे साथ मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करके उसको ऑर्गेनाइज करके उसकी एनालिसिस करके उस पर इंटरप्रिटेशन करके फिर उसको हम एक प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। डिफिनीशन आपको दी गई है, डिफिनीशन में कहते हैं कि अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द कलेक्शन एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा इज कॉल्ड स्टेटिस्टिक्स, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। स्टेटिस्टिक्स की अगर आपसे कोई पूछे कि स्टेटिस्टिक्स किसे कहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने सिंपल जवाब देना है कि स्टेटिस्टिक्स जो है ये असल में हमारे साथ मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं। जब न्यूमेरिकल डेटा को हम जमा कर लेते हैं तो जमा करने के बाद उसकी हम क्या करते हैं, उसको हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज से क्या मुराद है, ऑर्गेनाइज से मुराद ये है कि उसको हम प्रॉपर तरीके से सीक्वेंस के साथ उसको हम अरेंज करते हैं, ठीक है, ताकि हमें उसको रीड करने में आसानी हो। इसी तरह से उसको ऑर्गेनाइज करने के बाद फिर उसकी हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस से मुराद उसका हम जायजा लेते हैं, उस पर हम तजिया करते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसको हम अपने टीम मेंबर्स के साथ डिस्कस करते हैं जो डेटा हमने कलेक्ट किया हुआ होता है, ठीक है। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं, डिस्कशन के बाद फिर हमारा जो अगला काम होता है वो होता है इंटरप्रिटेशन का। इंटरप्रिटेशन से मुराद ये है कि जब हम डिस्कशन कर लेते हैं तो डिस्कशन करने के बाद उस डिस्कशन से हमने एक नतीजा आखस करना होता है, ठीक है, कि जो बातें हमने एक दूसरे के साथ डिस्कस की तो इसका क्या मतलब है, ये हमने क्यों डिस्कस की, इससे हमें क्या फायदा हुआ, ठीक है, इससे हमने क्या सीखा। तो जो कुछ हमने सीखा होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम इंटरप्रिटेशन कहते हैं, मतलब उसको हमने अंडरस्टैंड कर दिया। अंडरस्टैंड करने के बाद फिर हमने क्या करना होता है, कंक्लूजन पेश करना होता है। कंक्लूजन से मुराद अपने जो रिजल्ट्स है उसको हमने क्या करने होते हैं, प्रेजेंट करने होते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, नंबर्स के फॉर्म में। तो इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को स्टेटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि असेसमेंट की डिफिनीशन आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी थी कि असेसमेंट इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डेटा, ऑर्गेनाइजिंग इट, एनालिसिंग एनालाइजिंग इट एंड इंटरप्रेटिंग इट एंड आफ्टर दैट कंक्लूजन। इसके बाद जो है फिर हम उसी क्या करते हैं, कंक्लूजन करते हैं। तो बिल्कुल असेसमेंट की तरह से ये भी असेसमेंट की ही डिफिनीशन है, लेकिन यहाँ पर हमारे साथ जो डेटा होगा उसको हम नंबर्स के फॉर्म में क्या करेंगे, उसको हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, हमेशा उसको हम नंबर्स के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टेटिस्टिक्स कहते हैं। समझ आ गई इसकी। इसी तरह से अगर हम दूसरे डिफिनेशन को देखें तो दूसरे डिफिनेशन में भी आपको यही बताया गया है कि स्टेटिस्टिक जो है ये असल में हमारे साथ मैथमेटिक्स और साइंस की एक ब्रांच है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद उसको हम एनालाइज करते हैं, उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, इंटरप्रेट करने के बाद उसको हम एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्टेटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को, काइंडली रिस्पॉन्स दिया करें, ठीक है, जब मैं आपसे पूछूं। जी सर, क्लियर है। अब हम आ जाते हैं बायोस्टेटिस्टिक्स की तरफ। बायोस्टेटिस्टिक्स अगर आप इस वर्ड को देखें तो इस वर्ड से ही आपको जो है थोड़ा बहुत अंदाजा हो रहा होगा कि बायोस्टेटिस्टिक जो है ये बेसिकली दो अल्फाज
के मिलाप से मिलकर बना हुआ है। एक वर्ड तो हमारे साथ क्या है, बायो है। बायो मीन क्या, बायो मीन लाइफ, ठीक है। बायो का मतलब क्या है, बायो का मतलब है लाइफ। और दूसरा हमारे साथ क्या है, स्टेटिस्टिक्स है। स्टेटिस्टिक्स तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि किसे कहते हैं। तो जनरली अगर बायो स्टेटिस्टिक्स की डिफिनेशन में आपको अपने अल्फाज में करूँ, तो बायो स्टेटिस्टिक्स से मुराद ये है कि ये हमारे साथ स्टेटिस्टिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के हवाले से डेटा कलेक्ट करते हैं, ठीक है। और उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको फिर हम एनालाइज करते हैं, उसकी फिर हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रिटेशन करने के बाद उसकी हम क्या करते हैं, उसकी हम प्रेजेंटेशन करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बायोस्टेटिस्टिक्स कहेंगे। एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बायोस्टेटिस्टिक्स की दूँ, तो आपके पास जो मोर्टेलिटी रेट्स होते हैं, जो मॉर्बिडिटी रेट्स आते हैं, जो इंसिडेंस रेट्स आते हैं, जो प्रेवलेंस रेट आते हैं, तो ये सारी जो है ये आपके बायोस्टेटिस्टिक्स में क्या है, इंक्लूडेड है, ठीक है। मोर्टिलिटी रेट किसे कहते हैं, मोर्टिलिटी रेट से मुराद ये है कि किसी पॉपुलेशन में, किसी आबादी में किस रफ्तार से लोगों की अमवात हो रही है, तो उससे रिलेटेड जब हम डेटा गैदर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स, तो इसको हम क्या कहेंगे, मोर्टिलिटी रेट कहेंगे। तो इस तरह से ये आपकी बायोस्टेटिस्टिक्स में इंक्लूड हो गई। इसी तरह से अगर मैं आपको कहूँ मोर्बिडिटी रेट, मॉर्बिडिटी रेट से मुराद ये है कि किसी पॉपुलेशन में, किसी आबादी में एक बीमारी किस रफ्तार से लोगों में फैल रही है, किस रफ्तार से लोग उससे मुतासिर हो रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, मॉर्बिडिटी रेट कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपको इंसिडेंस रेट का बताऊं, तो इंसिडेंस रेट से मुराद ये है कि एक खास टाइम पीरियड में, एक खास टाइम के दौरान लोग जो है कितने हमारे पास नए केसेस आते हैं बीमारी के, एक्सीडेंट्स के, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंस रेट कहेंगे। इंसिडेंस से मुराद ये है आपके पास जो नए केसेस आते हैं, वो केसेस आपके पास कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। आरटीए के हो सकते हैं, इसी तरह से फायर आर्म के हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो दूसरे हमारे साथ है, क्या कहते हैं, बर्न केसेस हो सकते हैं। तो ये नए नए केसेस आपके पास जो इमरजेंसी में आते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस कहते हैं, ठीक है। और इंसिडेंस रेट का मतलब यह है कि एक खास टाइम पीरियड के दौरान आपके पास कितनी तादाद में नए केसेस आते हैं, तो इसको हम इंसिडेंस रेट कहेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी बायोस्टेटिस्टिक्स में क्या आ जाती है, इंक्लूड हो जाती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोस्टेटिस्टिक्स कहते हैं। यहाँ पर आपको डिफिनेशन दी गई है, कहते हैं कि बायोस्टेटिस्टिक्स, बायोस्टेटिस्टिक्स क्या है, बायोस्टेटिस्टिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टेटिस्टिक्स दैट फोकसेस ऑन द एप्लीकेशन ऑफ स्टेटिस्टिकल मेथड्स टू बायोलॉजिकल, मेडिकल एंड हेल्थ रिलेटेड डेटा। वही बातें हैं जो कि मैंने आपको अभी बताई। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि बायोस्टेटिस्टिक्स से मुराद ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड, उनसे मुतालिक जब हम डेटा गेदर करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोस्टेटिस्टिक्स कहते हैं। डिफिनीशन में भी आपको यही बताया गया है जो कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया कि ये स्टेटिस्टिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम स्टेटिस्टिकल मेथड्स को फॉलो करते हुए हम बायोलॉजिकल डेटा गैदर करते हैं। बायोलॉजिकल से क्या मुराद है, बायोलॉजिकल से मुराद स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड हम क्या करते हैं, डेटा गैदर करते हैं। इसी तरह से मेडिकल से रिलेटेड मतलब जितने भी हमारे साथ डिजीज़ वगैरह होते हैं, ठीक है, या हेल्थ से रिलेटेड जो मोर्टेलिटी रेट हो गई, मॉर्बिडिटी रेट हो गई, इंसिडेंट्स रेट हो गए, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हो गई, मेटरनल मोर्टिलिटी रेट हो गए, ठीक है, फर्टिलिटी रेट हो गई, तो ये सारी आपके हेल्थ रिलेटेड डेटा में आ जाती है। तो इससे रिलेटेड जब हम डेटा गेदर करते हैं, तो इस तरह की डेटा को हम क्या कहेंगे, इस तरह के प्रोसेस को हम फिर बायोस्टेटिस्टिक्स कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से मजीद कहते हैं कि इट इन्वॉल्व द कलेक्शन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा टू मेक इन्फॉर्म डिसीजन इन द फील्ड सच एज मेडिसिन, एपिडेमियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ।
वही बातें आपको दोबारा से बताई जा रही है जो कि मैंने आपको एज अ समरी के फॉर्म में स्टार्ट में बताया कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम डेटा को कलेक्ट करके उसको एनालाइज करके उसकी इंटरप्रिटेशन करके उसको फिर हम क्या करते हैं प्रेजेंट करते हैं, ताकि हम जो है एक ख़ास फील्ड से रिलेटेड, जैसे अगर मेडिसिन है तो मेडिसिन से रिलेटेड हम क्या करें वो डेटा हमारे पास मौजूद हो। अगर एपिडेमियोलॉजी है, एपिडेमियोलॉजी ऑलरेडी मैंने आपको एपिडेमियोलॉजी में बताया था कि एपिडेमियोलॉजी से मुराद ये है कि ये हमारे साथ साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, जिसमें हम डिजीज़ के बारे में स्टडी करते हैं और वो डिजीज़ एक पॉपुलेशन में किस रफ्तार से फैल रही है उसके हवाले से स्टडी करते हैं और उस रफ्तार को हम किस तरह से कम कर सकते हैं, उस डिजीज़ पर हम किस तरह से काबू पा सकते हैं। तो इसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपकी बायोस्टेटिस्टिक्स में आ जाती है। इसी तरह से जेनेटिक्स, जेनेटिक्स से मुराद ये है हमारे साथ जो जेनेटिक मेथड्स होते हैं, जीन्स, लोगों की जो जीन सीक्वेंस है उसको चेंज करके बच्चों की जो आई कलर्स होती है उसको चेंज की जाती है। जी, मेरी आवाज़ नहीं आ रही आपको? बाकी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है कि नहीं? सर आ रही है। अच्छा जी, इन्हें कोई मैसेज कर दे कि आप अपना सिग्नल्स वगैरह चेक कर दे तो हो सकता है आपका प्रॉब्लम ठीक हो जाए। अच्छा जी, अभी आ रही है। सही है, सही है। ओके, तो जेनेटिक्स हो गई। ठीक, जेनेटिक्स हो गई। ठीक है, तो ये भी आपकी बायो स्टेटिस्टिक्स में आ जाती है। और पब्लिक हेल्थ ऑलरेडी मैंने आपको बताया। बायोस्टेटिस्टिशियन यूज स्टेटिस्टिकल टेक्निक्स टू ड्रॉ अ मीनिंगफुल कंक्लूजन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल एंड हेल्थ रिलेटेड डेटा सेट्स, एडिंग इन रिसर्च, क्लिनिकल स्टडीज, हेल्थ केयर पॉलिसी डेवलपमेंट। ठीक है, अब हमारे साथ जो बायोस्टेटिस्टिशियन होते हैं, बायोस्टेटिस्टिशियन किसे कहते हैं? बायोस्टेटिस्टिशियन से मुराद वो लोग हैं जो कि बायोस्टेटिस्टिक मेथड्स को यूज़ करते हुए डेटा को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड, उनको हम क्या कहते हैं, बायोस्टेटिस्टिशियन कहते हैं। तो बायोस्टेटिस्टिशियन स्टेटिस्टिकल टेक्निक को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, उसके लिए हल निकालते हैं और इसी तरह से फिर इन्हीं डेटा को वो मुख्तलिफ रिसर्चेज में यूज़ करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल स्टडी के लिए वो यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई थ्योरी जो है उन्होंने डेवलप करनी हो तो थ्योरी को डेवलप करने में वो यूज़ करते हैं। हेल्थ केयर पॉलिसीज, अगर उन्होंने कोई पॉलिसी, कोई रूल रेगुलेशन जो है वो बनानी है, ठीक है, उसको जो है नाफिज करनी है, तो उससे रिलेटेड जो है फिर इन्हीं डेटा को क्या करते हैं, बायोस्टेटिस्टिशियन यूज़ करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम बायोस्टेटिस्टिक्स कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ बायोस्टेटिस्टिक्स, तो आपने अपने ही अल्फाज में उनको जवाब देना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप उनको यह डिफिनीशन ही सुनाएं, आप लोगों ने अपना कंसेप्ट उनको बताना है कि बायोस्टेटिस्टिक्स से मुराद ये है कि ये स्टेटिस्टिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टेटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए हम बायोलॉजिकल या लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। ठीक है, उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद उसको ऑर्गेनाइज तरीके से अरेंज करके, उसकी एनालिसिस करके, उसको इंटरप्रेट करके, फिर उससे हम एक नतीजा अखज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, बायोस्टेटिस्टिक्स कहते हैं। समझ आ रही है आपको? जी सर, क्लियर है। ओके, वेरी गुड। अब हम आ जाते हैं पर्पसेस ऑफ बायोस्टेटिस्टिक्स की तरफ। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि बायोस्टेटिस्टिक्स के मकासद के हवाले से भी हम बात करेंगे कि बायोस्टेटिस्टिक्स को आखिर हम क्यों स्टडी करते हैं नर्सिंग में, आखिर नर्सिंग में इसकी इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, तो इसके हवाले से अब हम बात करेंगे। बायोस्टेटिस्टिक्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन नर्सिंग फॉर सेवरल पर्पसेस। ठीक है, कहते हैं कि बायोस्टेटिस्टिक जो है इसका नर्सिंग फील्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, इसके बगैर नर्सिंग फील्ड जो है ये क्या है, नामुकम्मल है। क्यों नामुकम्मल है इसको अब हम वाजे करेंगे। सबसे पहले हम उन फैक्टर्स को हाईलाइट करेंगे जिसके लिए हम क्या करते हैं, बायोस्टेटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं नर्सिंग में। सबसे पहले डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस के लिए हम बायोस्टेटिस्टिक जो है नर्सिंग में स्टडी करते हैं।
रिसर्च के लिए हम बायोस्टेटिस्टिक्स स्टडी करते हैं, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हम बायोस्टेटिस्टिक्स स्टडी करते हैं, पेशेंट की असेसमेंट करने के लिए बायोस्टेटिस्टिक जो है इसको हम नर्सिंग में यूज़ करते हैं, एपिडेमियोलॉजी से रिलेटेड डेटा गैदर करने के लिए हम बायोस्टेटिस्टिक को क्या करते हैं, नर्सिंग में स्टडी करते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ जो रिसोर्सेज है, अगर हमारे हेल्थ से रिलेटेड सर्विसेज किसी जगह पर जो है कोई सर्विस में कमी पेशी आई हुई है, तो उन कमियों को आइडेंटिफाई करके उन कमियों को हमने क्या करना है, पूरा करना है। तो इस मकसद के लिए हम क्या करते हैं, बायोस्टेटिस्टिक्स को स्टडी करते हैं। इसके अलावा बायोस्टेटिस्टिक्स हम इस मकसद के लिए भी स्टडी करते हैं ताकि हमें पता चले कि हमने कितने पेशेंट को हेल्थ से रिलेटेड उनको हमने एजुकेशन देनी है, उनको हमने ट्रेनिंग देनी है, उनको हमने प्रिवेंशन मेथड्स बताने हैं कि किस तरह से वो अपने आप को मुख्तलिफ चीज़ों से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इन मकासद के लिए हम बायोस्टेटिस्टिक जो है नर्सिंग में स्टडी करते हैं। अब इन सारे पॉइंट्स को जो है हम वन बाय वन डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा एनालिसिस की। डेटा एनालिसिस से क्या मुराद है, ठीक है। डेटा एनालिसिस से मुराद ये है कि बायोस्टेटिस्टिक्स हेल्प नर्सिस एनालाइज पेशेंट डेटा सच इज वाइटल साइन, लैब रिजल्ट्स, ट्रीटमेंट आउटकम टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। दिस कैन इंफॉर्म क्लिनिकल डिसीजन एंड इम्प्रूव पेशेंट केयर। सबसे पहला मकसद नर्सिंग में बायोस्टेटिस्टिक्स को स्टडी करने का यही होता है कि जब हमारे पास फर्स्ट टाइम पेशेंट क्लिनिक आते हैं, तो फर्स्ट टाइम पेशेंट के क्लिनिक आते ही हम उनको ट्रीटमेंट स्टार्ट नहीं करते, बल्कि सबसे पहले हम उनकी असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट का बुनियादी मकसद क्या होता है, उनसे डेटा गैदर करना होता है। तो बायोस्टेटिस्टिक्स जो है ये हमें बहुत ज़्यादा मदद देती है पेशेंट से रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करने में, जिसमें हमारे साथ पेशेंट के वाइटल साइन आ जाते हैं, ठीक है। जाहरी बात है, जब पेशेंट आता है तो पेशेंट से हम क्या करते हैं, सबसे पहले वाइटल साइन लेते हैं, उनकी बीपी चेक करते हैं, उनकी पल्स रेट चेक करते हैं, उनकी टेम्परेचर चेक करते हैं, उनकी क्या कहते हैं और कौन से वाइटल साइन हैं, 4 या 5 वाइटल साइन है मेरे ख्याल में, अभी जो नया शामिल हुआ है तो 5 है, लेकिन वैसे 4 है। ब्लड प्रेशर चेक करना, क्या कहते हैं, पल्स रेट चेक करना, ब्रीथिंग चेक करना, ठीक है, टेम्परेचर चेक करना, ये 4 हो गए। और पांचवा जो है ये हमारे साथ पेन है, हाँ जी बिल्कुल, 5 वाइटल साइन है, बिल्कुल पेन भी है, बिल्कुल सही है। तो इस इन चीज़ों के हवाले से हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं। जब हमारे पास डेटा आ जाती है तो डेटा के आने के बाद उसको फिर हमने एनालाइज करना होता है, उस पर फिर हमने तजिया करना होता है, ठीक है, उसकी एनालिसिस हमने करनी होती है। तो एनालिसिस करने के बाद फिर हम उस डेटा को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं, मतलब उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जब मुकम्मल डेटा की हमें समझ आ जाती है तो फिर हमें पता चल जाता है कि इस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है या क्या हमने इस पेशेंट के साथ करना है। अब इसके अलावा लैब्स के जो रिजल्ट्स आते हैं, तो लैब्स के रिजल्ट्स को स्टडी करने के लिए भी हमें बायोस्टेटिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है। और लैब के जो रिजल्ट होते हैं तो उसको भी हम क्या करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स जो है उसको हम क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो इसकी जो है इस वजह से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है बायोस्टेटिस्टिक्स की नर्सिंग में। इसी तरह से जब हम पेशेंट के लिए एनसीपी तैयार करते हैं, एनसीपी से मुराद नर्सिंग केयर प्लान उनके लिए तैयार करते हैं, तो उसको फिर इम्प्लीमेंट करने के बाद जब हम उनकी इवॉल्वेशन करते हैं ये जानने के लिए कि आया हमने पेशेंट के लिए जो प्लानिंग की थी तो आया उस प्लानिंग से हमारे पेशेंट की सेहत पर कुछ अच्छे असरात मुरतब हुए हैं या नहीं, हमारे पेशेंट जो है उससे कुछ हद तक जो है बेहतर हुए हैं या नहीं, तो इसको भी आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, बायोस्टेटिस्टिक से ही क्या करते हैं, मदद लेते हैं, ठीक है। तो इस मकासद के लिए हम क्या करते हैं, बायोस्टेटिस्टिक्स को नर्सिंग में यूज़ करते हैं। जो डेटा एनालिसिस से मुराद ये है, ठीक है। इसके बाद हमारे साथ जो दूसरा मकसद है बायोस्टेटिस्टिक्स का, वो है रिसर्च। रिसर्च में भी बायोस्टेटिस्टिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। कैसे इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे कि आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि नर्सिंग रिसर्च ऑफन इन्वॉल्व कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग डेटा
आंसर इम्पोर्टेंट हेल्थ केयर क्वेश्चन, ठीक है। रिसर्च में हम क्या करते हैं, नर्सिंग रिसर्च में जब आप इंशाल्लाह फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे तो फोर्थ सेमेस्टर में फिर आप लोगों के दो सब्जेक्ट होंगे, ठीक है, और एक आप लोगों ने रिसर्च करनी होगी। तो रिसर्च जब आप करेंगे तो रिसर्च में आप लोगों ने क्या करना होगा, रिसर्च में आप लोगों ने अपना एक टॉपिक जो है सेलेक्ट करना होगा, ठीक है, किसी भी किस्म का टॉपिक हो हेल्थ से रिलेटेड, तो वो आपने सेलेक्ट करके फिर उससे रिलेटेड आपने डेटा को क्या करना होता है, कलेक्ट करना होता है। और उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद उस पर फिर आपने सोच विचार करके उसको पूरी तरीके से अंडरस्टैंड करके उससे फिर आप लोगों ने क्या करने होंगे, अपने जो क्वेश्चन हैं आपके रिसर्च के जो क्वेश्चन होते हैं जिस मकसद के लिए आप लोगों ने रिसर्च शुरू किया होता है, तो उन क्वेश्चंस को आपने क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो रिसर्च में बायोस्टेटिस्टिक्स का यूज़ इस तरह से होता है कि नर्सिंग रिसर्च में हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करके उसको एनालाइज करते हैं, और इसी तरह से हमारे जो रिसर्च क्वेश्चन होते हैं हेल्थ प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो उसको हम इस कलेक्टेड डेटा से क्या करते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। बायोस्टेटिस्टिक्स इज एसेंशियल फॉर डिजाइनिंग स्टडीज, चूजिंग अप्रोप्रिएट स्टेटिस्टिकल मेथड्स एंड ड्रॉइंग वैलिड कंक्लूजन फ्रॉम रिसर्च फाइंडिंग, ठीक है। इसी तरह से रिसर्च में बायोस्टेटिस्टिक्स का इस हवाले से भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है कि जब आप इंशाल्लाह रिसर्च करेंगे तो रिसर्च को करने का बेसिक तरीका होता है, प्रॉपर मेथड होता है। मिसाल के तौर पर आप जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर रिसर्च करना चाहते हैं, ठीक है, तो मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको जो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन का तो पता होगा कि ब्लड हम किस तरह से एडमिनिस्टर करते हैं, लेकिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या उसके जो कंसिक्वेंसेस होते हैं या एडवर्स रिएक्शन होते हैं, उस एडवर्स रिएक्शन को कैसे हमने डील करना है, तो उसके बारे में आपको पता नहीं होगा। तो जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन को मिसाल के तौर पर आपने उसको सेलेक्ट कर लिया, तो फिर आपने जो है अपना जो स्टडी डिज़ाइन है, ठीक है, स्टडी डिज़ाइन से मुराद ये है कि आपको हार्ट स्टडी करना चाहते हैं, क्रॉस सेक्शनल स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, इसी तरह से एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना चाहते हैं या कॉजी एक्सपेरिमेंटल स्टडी करना चाहते हैं, तो ये आपकी रिसर्च स्टडी की क्या है, डिज़ाइन है, स्टाइल है कि किस तरीके से आप अपना रिसर्च कंप्लीट करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम क्या करते हैं, रिसर्च में करते हैं, और रिसर्च में बायोस्टेटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। किस तरह से प्ले करता है, डेटा को कलेक्ट करते हुए और उसकी एनालिसिस करते करने के दौरान जो है बायोस्टेटिस्टिक्स से हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। समझ आ रही है आपको इन चीज़ों की? ओके, फिर हमारे साथ मजीद आगे बढ़ते हैं, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट से क्या मुराद है? क्वालिटी इम्प्रूवमेंट से मुराद ये है कि नर्सिस यूज बायोस्टेटिस्टिक्स टू असेस द क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइडेड इन हेल्थ केयर सेटिंग्स बाय एनालाइजिंग डेटा ऑन पेशेंट आउटकम एंड हेल्थ केयर प्रोसेसेस। दे कैन आइडेंटिफाई एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट एंड इम्प्लीमेंट एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशन। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट हम इस तरह से बायोस्टेटिस्टिक के ज़रिए करते हैं कि जब, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब हम अपने पेशेंट के लिए एक नर्सिंग केयर प्लान तैयार कर लेते हैं, तो उस नर्सिंग केयर प्लान को फिर हमने अपने पेशेंट पर इम्प्लीमेंट करना होता है, ठीक है, उन पर प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है। अब जब हम उन पर प्रैक्टिकली वो नर्सिंग केयर प्लान इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो इसके बाद हम इवॉल्यूशन का वेट करते हैं। इवॉल्यूशन में हम बेसिकली क्या देखते हैं? इवॉल्यूशन में हम बेसिकली दो चीज़ें देखते हैं। पहली जो चीज़ है, ठीक है, वो ये है कि हम अपने पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसकी हम क्या करते हैं, इवॉल्यूशन करते हैं। मतलब ये है कि हम अपने पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसको देखते हैं कि एनसीपी देने से पहले उनकी हेल्थ कंडीशन कैसी थी और एनसीपी देने के बाद अब उनकी हेल्थ स्टेटस क्या है। अगर मिसाल के तौर पर उनकी हेल्थ कंडीशन में बेहतरी जो है वो आई हो, ठीक है, उनकी जो हेल्थ है वो बेहतर हुई हो, इम्प्रूव हुई हो, तो इससे मुराद ये है कि आपने जो एनसीपी तैयार की थी, जो नर्सिंग केयर प्लान आपने तैयार किया था, तो वो 100% एक्यूरेट था और पेशेंट के नीड्स के मुताबिक था। तो इससे ये चीज़ वाजी हो जाएगी कि
जो नर्सेज उनको केयर दे रहे हैं तो वो क्वालिटी केयर उनको दे रहे हैं, ठीक है, और प्रॉपर स्टैंडर्ड्स के मुताबिक दे रहे हैं, जिससे पेशेंट की हेल्थ में क्या आ रही है, बेहतरी आ रही है। दूसरी जो चीज़ हम नर्सिंग केयर प्लान से के ज़रिए जो है जो इवैल्यूएशन के ज़रिए मालूम करते हैं, तो वो हमने जो प्लानिंग की थी, हमने जो अपने गोल्स सेट किए हुए थे, जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए थे कि हम ये चीज़ें ये गोल जो है अचीव करेंगे, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं कि आया हमने जो स्टेप्स सेट किए थे, जो प्लानिंग हमने की थी, आया हमने उन सारे स्टेप पर अमल किया है या नहीं, ठीक है। तो इसको देखने के लिए भी हम क्या करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। सो जब हम अपने पेशेंट को केयर देते हैं, ठीक है, और प्रॉपर केयर उनको देते हैं, तो जाहिर बात है उनके सेहत पर जो है इसके फिर पॉजिटिव असरात जो है मुरतब होते हैं, उनकी सेहत में जो है उसमें बेहतरी आती है, ठीक है, वो जल्दी से जो है हील अप हो जाते हैं, जल्दी से जो है वो इम्प्रूव कर जाते हैं। तो इससे हमें पता चल जाता है कि जो क्वालिटी केयर उनको दी जा रही है, तो वो अच्छी क्वालिटी की केयर उनको दी जा रही है। लेकिन अच्छा जी, लेकिन इसके अलावा अगर इसके बरक्स हो, ठीक है, पेशेंट को जो है आप केयर दे रहे हैं, लेकिन पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसमें जो है बेहतरी नहीं आ रही, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे हमें पता चल जाएगा कि पेशेंट को जो केयर दी जा रही है वो पेशेंट के नीड्स के मुताबिक नहीं है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसके मुताबिक नहीं है, जिससे पेशेंट जो है वो इम्प्रूव नहीं हो रहे, उनकी सेहत में बेहतरी नहीं आ रही। तो इसके ज़रिए फिर बायोस्टेटिस्टिक्स के ज़रिए हम वो एरिया क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं जहाँ पर हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो, ठीक है, जहाँ पर हमने इम्प्रूवमेंट लाना होता है, ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं उन एरियाज़ को इम्प्रूव कर लेते हैं, और इस तरह से हमारी जो नर्सिंग कीयर है उसकी जो क्वालिटी है वो क्या हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद फिर हमारे साथ आता है पेशेंट असेसमेंट। पेशेंट की असेसमेंट में बायोस्टेटिस्टिक्स हमें कैसे हेल्पफुल जो है वो होती है, हेल्पफुल साबित होती है। बायोस्टेटिस्टिक्स टूल्स हेल्प नर्सिस असेस पेशेंट रिस्क एंड मेक क्लिनिकल जजमेंट, फॉर एग्जांपल कैलकुलेटिंग अ पेशेंट रिस्क ऑफ प्रेशर अल्सर यूजिंग स्टेटिस्टिकल मॉडल्स कैन गाइड प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है। पेशेंट की असेसमेंट में बायोस्टेटिस्टिक्स जो है हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। किस तरह से साबित होती है, मिसाल के तौर पर बायोस्टेटिस्टिकल टूल्स को यूज़ करते हुए नर्सेज जो है पेशेंट की जो रिस्क फैक्टर्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब वो बात है जिसकी वजह से पेशेंट जो है उनको नुकसान पहुंच सकता है, वो जो है नुकसान में पड़ सकते हैं, तो उन रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करके उन रिस्क फैक्टर्स को किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इलिमिनेट कर सकते हैं, उसको ख़त्म करके पेशेंट को उन नुकसान से बचा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है हम बायोस्टेटिस्टिक्स के ज़रिए आसानी से कर लेते हैं। तो इस तरह से बायोस्टेटिस्टिक जो है हमें पेशेंट की असेसमेंट करने में भी बहुत ज़्यादा मददफुल जो है साबित होती है। इसी तरह से एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी का तो ऑलरेडी आपको पता है कि एपिडेमियोलॉजी में बायोस्टेटिस्टिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है, मोर्टिलिटी रेट हो गए, मॉर्बिडिटी रेट हो गई, इंसिडेंट रेट हो गए, प्रेवलेंस रेट हो गए, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट हो गए, ठीक है, मेटरनल मोर्टिलिटी रेट हो गए, क्रूड बर्थ रेट हो गए, इसी तरह से क्रूड डेथ रेट्स हो गए, ठीक है, रेशियो हो गई, प्रोपोर्शन हो गई, रेट्स हो गई, ये सारी चीज़ें आपकी एपिडेमियोलॉजी में आती है, और एपिडेमियोलॉजी में इस तरह से बायोस्टेटिस्टिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। बहुत ही सिंपल अल्फाज में मैं आप स्टूडेंट्स के साथ अभी डिस्कशन कर रहा हूँ, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेरी बातें आपके जहन में जो है वो बैठ रही होगी, ठीक है। आप लोगों ने इस क्लास के बाद फिर इंशाल्लाह आज ही या फिर कल जो है आराम से इस वीडियो को आप लोगों ने देखनी है, ठीक है, इस रिकॉर्डिंग को, ताकि तमाम बातें आपके जहन में मुकम्मल तौर पर बैठ जाए, और फिर आप लोगों ने जो है इस कंटिन्यू कर लेते हैं क्लास को।
तो हम एपिडेमियोलॉजी की बात कर रहे थे कि एपिडेमियोलॉजी जो है ये बायोस्टेटिस्टिक जो है इसका जो है नर्सिंग में क्या काम है। तो बायोस्टेटिस्टिक जो है इसका एपिडेमियोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, जैसे कि मैंने आपको बताया ठीक है कि मॉर्बिलिटी रेट, मॉर्बिडिटी वगैरह, तो ये सारी आपकी एपिडेमियोलॉजी है। नर्सेज में वर्क इन पब्लिक हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ सेटिंग वेयर दे यूज बायोस्टेटिस्टिक टू ट्रैक द स्प्रेड ऑफ डिजीज, आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर्स एंड प्लान इंटरवेंशन टू इम्प्रूव पॉपुलेशन हेल्थ। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एपिडेमियोलॉजी की डिफिनेशन की थी कि एपिडेमियोलॉजी से मुराद ये है कि इसमें हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजीज, कि एक बीमारी जो है वो किस तरह से पॉपुलेशन में फैल रही है, तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं, इसके अलावा कितने लोग पॉपुलेशन में उससे मुतासिर हुए, कितने लोग जो है उसकी वजह से रिस्क का शिकार है, और अब इस बीमारी को हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसके लिए जब स्टडी हम करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। तो एपिडेमियोलॉजी में बेसिकली हम क्या करते हैं, पब्लिक हेल्थ या कम्युनिटी विजिट करके वहाँ पर जो लोग होते हैं उनके साथ हम इंटरेक्शन करते हैं, उनके साथ हम बातचीत करते हैं, उनको हम मुख्तलिफ डिजीज़ के हवाले से एजुकेट करते हैं, इसी तरह से उनको हम प्रिवेंटिव मेथड्स बताते हैं कि किस तरह से वो लोग अपने आप को मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों के फैलाव से बचा सकते हैं और बीमारियों के होने से बचा सकते हैं, उनको मुख्तलिफ रिस्क फैक्टर के हवाले से शऊर देते हैं, उनको आगाही देते हैं ठीक है, और मुख्तलिफ स्किल्स जो है उनको हम सिखाते हैं कि किस तरह से आप अपने आप को और अपनी जो कम्युनिटी है उसको आप बेहतर बना सकते हैं, उनकी जो हालत है उसको आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें भी एपिडेमियोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, इस तरह से इम्पोर्टेंट रोल होता है कि बायोस्टेटिस्टिक्स में हम क्या करते हैं, कम्युनिटी विजिट करके वहाँ पर कम्युनिटी में मौजूद जितने भी हमारे साथ प्रॉब्लम होते हैं हेल्थ से रिलेटेड, तो उन प्रॉब्लम्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं, उस प्रॉब्लम्स को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, कितने लोग जो है उससे मुतासिर हुए हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं, फिर उसके मुताबिक उसके लिए हम क्या करते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, मुख्तलिफ रोल जो है वो प्ले करते हैं और उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। रिसोर्स एलोकेशन की अगर हम बात करें तो बायोस्टेटिस्टिक्स असिस्ट नर्सेस एंड हेल्थ केयर एडमिनिस्ट्रेटर्स इन एलोकेटिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली। ठीक है, एलोकेटिंग रिसोर्सेज इफेक्टिवली से मुराद ये है कि जहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत हो तो उस चीज़ को हम वहाँ पर ही क्या करें, प्रोवाइड करें, और चीज़ों की ज़िया जो है वो ना हो, लोगों की जो ज़रूरियात है उसको हम टाइम पर जो है पूरा करें, ठीक है, लोग जो है मुख्तलिफ सर्विस के लिए ना तरसे, ठीक है, और उनको हर तरह की सर्विस जो है वो अवेलेबल हो। तो इसमें बायोस्टेटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। बाय एनालाइजिंग डेटा ऑन पेशेंट एडमिशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड कोस्ट, दे कैन ऑप्टिमाइज स्टाफिंग एंड बजट एलोकेशन। मिसाल के तौर पर आपके पास एक पेशेंट आते हैं ठीक है, जो कि लोअर क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, अब ऐसे पेशेंट के लिए हॉस्पिटल में स्टे करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ठीक है, क्योंकि इनके पास जो है पैसे नहीं होते, इनके पास जो है रिसोर्सेज नहीं होती, तो ऐसे पेशेंट के लिए हम किस तरह के प्रिकॉशन मेजर्स जो है वो ले सकते हैं, किस तरह से इनको जो है बगैर एडमिट किए हुए इनके जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो किस तरह से इनको हम मुख्तलिफ रिसोर्सेज जो है वो बगैर एडमिशन के इनको हम दे सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों के हवाले से बायोस्टेटिस्टिक जो है हमें एक मुकम्मल प्लान जो है वो क्या करती है, देती है। तो इस वजह से बायोस्टेटिस्टिक जो है ये रिसोर्स एलोकेशन में भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, समझ आ रही है? इसी तरह से, अच्छा जी, रिसोर्स एलोकेशन से क्या मुराद है, बेसिकली रिसोर्स एलोकेशन इस वर्ड का क्या मतलब है, इन दो अल्फाज का क्या मतलब है, रिसोर्स एलोकेशन से मुराद ये है कि जहाँ पर जिन पेशेंट को जिन 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 चीज़ों की ज़रूरत हो तो वो चीज़ें जो है हम उनके हस्बे ज़रूरत उनको क्या करें, आसानी से प्रोवाइड करें, ठीक है, उनको किसी किस्म की मुश्किल ना हो उन फैसिलिटीज़ को, उन सर्विसेज को हासिल करने के लिए, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्स एलोकेशन कहते हैं। और इन रिसोर्स एलोकेशन
को इफेक्टिव बनाने में बायोस्टेटिस्टिक्स का क्या होता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अब समझ आ गई? जी सर, थैंक ओके, गुड, यू। वेलकम। अच्छा जी, अवेलेबल रिसोर्सेज प्रो, हाँ जी, प्रॉपर पेशेंट के लिए जो है हम अवेलेबल रिसोर्सेज जो है उसका बंदोबस्त करते हैं ना। पर्पस ऑफ बायोस्टेटिस्टिक्स इन नर्सिंग, पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन में भी बायोस्टेटिस्टिक्स का इम्पोर्टेंट रोल है। ठीक है, नर्सेस कैन यूज स्टेटिस्टिकल डेटा टू एजुकेट पेशेंट्स एंड देयर फैमिली अबाउट हेल्थ रिस्क, ट्रीटमेंट ऑप्शन एंड एक्सपेक्टेड आउटकम। मिसाल के तौर पर आपके पास पेशेंट आते हैं, ठीक है, तो पेशेंट के आते ही आप उनसे सबसे पहले क्या करते हैं, उनकी आप असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट में आपका बेसिकली काम क्या होता है, असेसमेंट में आपका बुनियादी काम यही होता है कि सबसे पहले आप उनकी हेल्थ हिस्ट्री लेते हैं। हेल्थ हिस्ट्री लेने के बाद आपको पता चलता है कि पेशेंट को क्या मसला है। ठीक है, जब आपको पेशेंट के मसले के बारे में पता चल जाता है तो फिर आपका दूसरा काम ये होता है कि आप उस पेशेंट को उसके मसले से आगाह करते हैं कि आपको ये मसला है, ठीक है, और इस मसले को हल करने के लिए अब हमने ये काम जो है आप लोगों के साथ करने हैं। इसी तरह से उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी हम अपने पेशेंट के मसले से आगाह कर लेते हैं, उनके लिए जो ट्रीटमेंट होते हैं तो वो ट्रीटमेंट जो है उसके हवाले से हम उस फैमिली को क्या करते हैं, बता देते हैं। तो इस तरह से हमारा काम क्या होता है, हमारा काम पेशेंट को एजुकेट करना होता है। जब हम इस तरह से रोल प्ले करेंगे तो इससे एक शऊर जो है वो पैदा होगी पेशेंट में। मिसाल के तौर पर पेशेंट को टीच करने से पहले पेशेंट को ये पता नहीं था कि एड्स किसे कहते हैं या ट्यूबरकुलोसिस किसे कहते हैं या जो मीजल्स है किसे कहते हैं या जो क्या कहते हैं दूसरा कौन सी बीमारी है यार, जो भी बीमारी हो, तो उसको उस बीमारी के बारे में पता नहीं था। लेकिन जब आपने उनको उस बीमारी के बारे में बताया, उससे रिलेटेड आपने उनको कुछ साइंस सिम्पटम्स बताए, तो इससे उनमें शऊर पैदा हो गया। ठीक है, कॉलेरा बिल्कुल, मम्स हो गई बिल्कुल यही डिजीज, तो इसके बारे में उनको जो है शऊर पैदा हो गया, उनको जो है इसके बारे में पता चल गया। तो जाहिरी बात है अब इन चीज़ों से हम किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, फैमिली मेंबर जो है वो कौन से स्टेप्स ले ही सकते हैं जिससे फैमिली के दूसरे मेंबर जो है वो बीमारी से मुतासर ना हो, तो इसमें भी बायोस्टेटिस्टिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, विजुअल एड्स एंड सिंपल स्टेटिस्टिकल एक्सप्लेनेशन कैन एनहेंस पेशेंट अंडरस्टैंडिंग। जाहिरी बात है जब हम पेशेंट को एजुकेट कर रहे होते हैं तो एक तो हम वर्बली उनको एजुकेट करते हैं, जैसे कि अब मैं आप स्टूडेंट को टीच कर रहा हूँ, आप स्टूडेंट्स को जो है मैं मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से बता रहा हूँ, आपके साथ नॉलेज को गेन स्टोरी शेयर कर रहा हूँ, तो ये क्या है, ये वर्बल एजुकेशन है। इसके साथ साथ मैं इन स्लाइड्स के दौरान आपको कुछ इमेजेस दिखाऊं, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में मैं आपको मुख्तलिफ तस्वीर दिखाऊं, तो इससे क्या होगी, इससे मजीद आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से पेशेंट को जब हम किसी बीमारी के बारे में बताते हैं और फिर उससे रिलेटेड हम उनको उसके साइंस सिम्पटम्स, उसकी जो शक्ल है वो उनको बताए, ठीक है, उनको दिखाए, तो इस तरह से उनकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मजीद जो है इम्प्रूव हो जाती है और बेहतर तरीके से उनको चीज़ों के बारे में समझ आ जाती है। तो इस तरह से बायोस्टेटिस्टिक जो है नर्सिंग में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं डेटा की तरफ। व्हाट इज डेटा, डेटा किसे कहते हैं, डेटा के बारे में अब हम बात करेंगे। डेटा किसे कहते हैं, डेटा रेफर टू रॉ फैक्ट, स्टेटिस्टिक्स और इंफॉर्मेशन। डेट कैन बी इन वेरियस फॉर्म सच एज नंबर्स, टेक्स्ट, इमेजेस और मल्टीमीडिया। डेटा इज टाइपिकली अनप्रोसेस्ड और लैक अ कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, डेटा असल में आपके पास जो खाम माल होता है, मिसाल के तौर पर जो खाम माल होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। जो खाम माल होता है या जिसे हम रॉ मटेरियल कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारे साथ प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है, तो उस सॉरी अनप्योर फॉर्म में होता है, तो उस अनप्योर फॉर्म उस अन
प्योर फॉर्म को जब हम प्योर फॉर्म में लाते हैं तो उसको हम मुख्तलिफ प्रोसेस से क्या करते हैं, गुजारते हैं, और उसके बाद फिर हमारे साथ प्योर फॉर्म में आता है। सो डेटा बिल्कुल इसी तरह से हमारे पास जो डेटा होती है वो हमारे साथ रॉ फैक्ट होते हैं। रॉ फैक्ट से मुराद ये है कि जस्ट कुछ पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं, और बाकी उसके साथ किसी किस्म की डिटेल वगैरह जो है वो नहीं होती। तो इस तरह की जो हमारे साथ इंफॉर्मेशन होती है, चाहे वो नंबर्स के फॉर्म में हो, चाहे वर्ड्स के फॉर्म में हो, इमेजेस के फॉर्म में हो, या मल्टीमीडिया के फॉर्म में आपके सामने मौजूद हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम डेटा कहते हैं। डेटा को हमने प्योर फॉर्म में लाने के लिए हमने क्या करना होता है, उस डेटा को सबसे पहले क्या करना होता है, कलेक्ट करके उसको हमने ऑर्गेनाइज करना होता है। ऑर्गेनाइज से मुराद ये है कि उसको प्रॉपर सीक्वेंस के साथ उसको हमने क्या करना होता है, अरेंज करना होता है। अब उसको अरेंज करने के बाद फिर उस पर हमने एनालिसिस करनी होती है। एनालिसिस से मुराद ये है कि उस पर हम बहस मुबाहसा करते हैं, ताकि हर एक बंदे की जो नज़रिया है उस चीज़ के हवाले से उसको हम जान सके। जब हर एक बंदे की नज़रिए कि हम उस चीज़ को क्या करेंगे, देखेंगे, तो इस तरह से हमें उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास जो है नॉलेज आएगी। अब हमारे पास बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गई है, तो अब हमारा तीसरा जो काम है वो ये होगा कि उस नॉलेज को अब हमने अंडरस्टैंड करना है, उस नॉलेज को अब हमने समझना है कि इस नॉलेज का आखिर क्या मतलब है, क्या मकसद है। उसको इंटरप्रेट करने के बाद फिर उससे हमने एक नतीजा, एक कंक्लूजन जो है वो निकालना होता है। तो इस तरह से हमारे पास जो रॉ मटेरियल होता है वो हमारे साथ प्योर फॉर्म में आ जाता है। तो डेटा जो है ये असल में हमारे साथ कुछ रॉ फैक्ट्स होते हैं, स्टेटिस्टिक्स या इंफॉर्मेशन होती है, जो कि हमारे साथ वेरियस फॉर्म में होती है। नंबर्स के फॉर्म में भी हो सकती है, टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकती है, इमेजेस के फॉर्म में भी हो सकती है, और मल्टीमीडिया के फॉर्म में भी हो सकती है। डेटा जो है ये अनप्रोसेस्ड फॉर्म में होती है, ठीक है, इसमें हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें जो है वो मिस होती है। जैसे कि स्टार्ट में ही मैंने आपको बताया, इट बिकम वैल्यूएबल व्हेन इट इज ऑर्गेनाइज्ड, एनालाइज्ड एंड इंटरप्रेटेड टू जनरेट मीनिंगफुल इंसाइट और सपोर्ट डिसीजन मेकिंग। देखिए वही बातें हैं जो कि अभी मैंने आपको कही। हम अपनी जो रॉ मटेरियल है इसको तभी हम कीमती बना सकते हैं। मिसाल के तौर पर जब आपको गोल्ड का एक जो है पत्थर मिलता है, ठीक है, तो उस पत्थर में आपके पास लोहा भी होता है, ठीक है, उसमें चांदी भी होती है, उसमें जिंक भी होता है, उसमें जो है कॉपर भी होता है। तो इन सारी मटेरियल से सिर्फ गोल्ड को अलग करने के लिए आप क्या करते हैं, उस पत्थर को आप पिघलाते हैं, ठीक है। जब उस पत्थर को आप पिघला देते हैं तो मुख्तलिफ लेयर्स बनते हैं उसके, जिसमें सबसे लास्ट में जो है आपके पास गोल्ड लेयर होता है, उसके ऊपर जो है कॉपर का लेयर होता है, उसके ऊपर जिंक का लेयर होता है, उसके ऊपर फिर आपके पास जो मैंने आपको बताया आयरन का लेयर होता है, लोहे का लेयर होता है। तो इन सारे लेयर को हटाकर आपके पास आखिर में क्या जाता है, गोल्ड प्योर फॉर्म में आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से डेटा को वैल्यूएबल बनाने के लिए सबसे पहला काम आपने ये करना होता है कि उसको आपने एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ अरेंज करना होता है, ताकि हर एक बंदा जो है उसको आसानी से रीड आउट कर सके, उसको आसानी से जो है पढ़ सके, ठीक है। दूसरा काम आपने ये करना होता है कि उस पर आपने एनालिसिस करनी होती है, उसको आपने एनालाइज करना होता है, डिस्कस करना होता है लोगों के साथ, ठीक है, ताकि लोगों के जो परसेप्शन है उस चीज़ के बारे में, उस डेटा के बारे में, वो आपको उसके बारे में पता चले, तो आपके पास फिर ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी। अब जब आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाती है तो तीसरा काम आपने उसको इंटरप्रेट करना होता है। मतलब यह है कि आपने अब उसको समझना होता है, उस पर आपने गौर फिक्र करना होता है, ठीक है, कि इस इंफॉर्मेशन में आखिर वो कौन कौन सी बातें हैं जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे जो है उस इंफॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सकता है। तो इंटरप्रिटेशन के बाद आप उसको एक मीनिंगफुल इंसाइट या आप जो है उससे अपना क्या करते हैं, एक डिसीजन लेते हैं, या डिसीजन लेने में आप उससे मदद लेते हैं। तो इस तरह से आपके पास जो डेटा है वो क्या हो जाती है, वैल्यूएबल हो जाती है। डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम वेरियस सोर्सेज इंक्लूडिंग सेंसर्स, सर्वे, डेटाबेस एंड मोर, एंड इट
प्ले अ क्रूशियल रोल इन द फील्ड लाइक साइंस, बिजनेस, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च। ठीक है, इसी तरह से डेटा जो है इसको हम मुख्तलिफ सोर्सेज के जरिए जो है इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें सेंसर्स हो गए। ठीक है, सेंसर से मुराद आप आंखों के जरिए चीज़ों को देखकर उसको ऑब्जर्व करके डेटा गैदर कर सकते हैं, लोगों की बातों को सुनकर डेटा डेटा जो है गैदर कर सकते हैं, चीज़ों को टच करके डेटा गैदर कर सकते हैं, चीज़ों को टेस्ट करके आप डेटा गैदर कर सकते हैं, चीज़ों को स्मेल करके आप गैदर कर सकते हैं। मतलब आपके जो हवासी खमसा है, ठीक है, देखना, सुनना, टेस्ट करना, ठीक है, सूंघना, टच करना, ये सारी चीज़ें जो है आपके सेंसर है। तो सेंसर्स के ज़रिए आप डेटा गैदर कर सकते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ विजिट करके, सर्वे करके उसके ज़रिए डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। डेटा बेसिस से मुराद मुख्तलिफ, मतलब हॉस्पिटल में जो है प्रीवियस रिकॉर्ड मौजूद होते हैं उससे आप डेटा गैदर कर सकते हैं, और बहुत सारे ज़रिए हैं जिससे आप डेटा गैदर कर सकते हैं। ठीक है, और इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसकी बहुत ही ज़्यादा अहमियत है साइंस, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और रिसर्च फील्ड में। इसी तरह से डेटा के फिर हमारे साथ टाइप्स हैं। डेटा कैन बी कैटेगराइज इन वेरियस टाइप बेस्ड ऑन इट नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स। डेटा के नेचर और करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर हमारे पास इसके मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं। ठीक है, मुख्तलिफ टाइप में इसको कैटेगराइज किया गया है। हमारे साथ जो कॉमन टाइप्स है डेटा के, इसमें पहले नंबर पर क्वालिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा। क्वांटिटेटिव डेटा के फिर हमारे साथ सब टाइप है, डिस्क्रीट डेटा एंड कंटिन्यूस डेटा हो गई, कैटेगोरिकल डेटा हो गई, ऑर्डिनल डेटा हो गई। ठीक है, ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ डेटा के टाइप्स है। इसी तरह से बाइनरी डेटा, टाइम सीरीज डेटा, जियो स्पेशियल डेटा, टेक्स्ट डेटा एंड इमेज डेटा, ये सारी हमारे साथ डेटा की क्या है, टाइप्स है। इसको वन बाय वन अब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे क्वालिटेटिव डेटा की। व्हाट इज मीन बाय क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव डेटा से क्या मुराद है। क्वालिटेटिव डेटा क्वालिटी से निकला हुआ है, क्वालिटेटिव ये वर्ड क्वालिटी से निकला हुआ है। ठीक है, सो ये हमारे साथ वो डेटा होती है जिसमें हम किसी चीज़ की जो क्वालिटी है उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। दिस टाइप ऑफ डेटा डील विद क्वालिटीज़ और करेक्टरिस्टिक्स एंड इज नॉन न्यूमेरिक इन नेचर। ठीक है, क्वालिटेटिव डेटा ये आपके पास वो डेटा होती है जिसके ज़रिए हम किसी भी चीज़ की जो क्वालिटी या उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती है उसको हम क्या करते हैं, मालूम करते हैं। और इस तरह से आपके पास जो डेटा आती है क्वालिटेटिव डेटा में, तो ये नंबर्स के फॉर्म में नहीं होती बल्कि ये आपके पास वर्ड्स के फॉर्म में होती है। ठीक है, अल्फाज के फॉर्म में होती है, डिजिट्स के फॉर्म में आपके पास नहीं होती। तो ये बात आप लोगों ने लाजमी तौर पर याद रखनी है। ठीक है, कि क्वालिटेटिव डेटा में आपके पास जो डेटा होती है वो नंबर्स के फॉर्म में मौजूद नहीं होती। ठीक है, इट इंक्लूड कैटेगरीज, इसमें आपके पास कैटेगरीज आ जाती है। ठीक है, जैसे कि मेल कैटेगरी, फीमेल कैटेगरी, लेबल्स आ जाते हैं, डिस्क्रिप्शन आ जाते हैं। एग्जांपल में जैसे कि कलर्स हो गए, ब्लैक, ब्लू, वाइट, रेड, ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के कलर्स हो गए। टाइप्स ऑफ एनिमल्स हो गए, ठीक है, मुख्तलिफ किस्म के जो एनिमल्स है। इसी तरह से मैरिटल स्टेटस, जैसे कि मैरिज, मैरिड, अनमैरिड हो गए, ठीक है, हस्बैंड वाइफ हो गए, ठीक है, मेल फीमेल हो गए, ही शी हो गई, ये सारी चीज़ें जो है आपकी क्वालिटेटिव डेटा में आती है। इन चीज़ों को आप लोगों ने याद रखना है, इसके एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आएंगे और आपको बताया गया होगा कि ये क्वालिटेटिव डेटा की एग्जाम्पल है या क्वांटिटेटिव डेटा की है, तो फिर आप लोगों ने फिर वहाँ पर मेंशन करना होगा। दूसरी जो हमारे साथ किस्म है क्वांटिटेटिव डेटा, क्वांटिटेटिव डेटा मीन ये क्वांटिटी से निकला हुआ है। क्वांटिटी किसे कहते हैं, क्वांटिटी से मुराद किसी चीज़ की जो क्वांटिटी होती है उसको हम क्वांटिटेटिव डेटा कहते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा कंसिस्ट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू सब टाइप। क्वांटिटेटिव डेटा में हमारे पास जो डेटा होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, तो वो आपके पास इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स, मतलब नंबर्स के फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन जो है मौजूद होती है। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है, कि क्वांटिटेटिव डेटा में आपके पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो नंबर्स के फॉर्म में होती है, और जो क्वालिटेटिव डेटा में आपके पास इंफॉर्मेशन होती है तो वो नंबर्स के फॉर्म में नहीं होती। ठीक है, इसी तरह से
क्वांटिटेटिव डेटा के फिर आपके पास मजीद दो सब टाइप्स है, जिसमें पहला हमारे साथ डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव डेटा आ जाती है। डिस्क्रीट डेटा से मुराद ये है कि ये क्वांटिटेटिव डेटा की वो किस्म होती है जिसमें हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट वैल्यूज। फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड द नंबर ऑफ कार्स इन पार्किंग लोट और द काउंट ऑफ स्टूडेंट इन क्लासेस। मतलब यह है कि इसमें हम वो नंबर्स क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं जो कि हमारे पास सॉरी रेशो के फॉर्म में ना हो, ठीक है, पॉइंट्स के फॉर्म में ना हो, जैसे कि 1.2 हो गया, 2.5 हो गए, 3.6 हो गए, इस तरह के फॉर्म में ना हो, बल्कि मिसाल के तौर पर एक गैराज में कितनी गाड़ियाँ जो है वो मौजूद है। तो ये आपके पास सिंपल होल डिजिट्स में आएंगे, जैसे कि या तो 3 गाड़ियाँ होंगी, या तो 5 गाड़ियाँ होंगी, या 10 गाड़ियाँ होंगी, या 20 गाड़ियाँ होंगी, लेकिन कभी भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि 20.5 गाड़ियाँ जो है मौजूद है या 10.5 गाड़ियाँ मौजूद है। तो डिस्क्रीट डेटा से मुराद ये है जो कि आपको एक मुकम्मल नंबर जो है देती हो, ठीक है, तो इसको हम डिस्क्रीट डेटा कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, क्लास में जो है आपके पास मिसाल के तौर पर आपके पोस्टालियन क्लास में मिसाल के तौर पर 100 स्टूडेंट है, ठीक है, या 60 स्टूडेंट है, या 70 स्टूडेंट है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट डेटा। जैसे कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन होंगे, ठीक है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, तो ये आपके पास डिस्क्रीट डेटा के एग्जाम्पल है। कंटिन्यूस डेटा की एग्जाम्पल ये है कि मिसाल के तौर पर जो टेम्परेचर आप चेक करते हैं तो 37.8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, या 98.8 फीरेंट, क्या कहते हैं, फीरेंट हाइट हो गई, ठीक है। तो पॉइंट्स के फॉर्म में आपके पास जो इंफॉर्मेशन आती है इसको हम कंटिन्यूअस डेटा कहते हैं।